जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? आवाज आ रही है? क्या खैरियत से होते सब? नहीं, जूम पे लेक्चर नहीं होगा। जूम पे कल लेक्चर कल इशू था, कोई यूट्यूब पे नहीं लाइव आ सकते, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 100 के बाद जूम की कैपेसिटी फुल हो जाती है, और फिर यूट्यूब के ऊपर लेट लाइव आना पड़ा था। और उसके हवाले से मैं बता दूँ कि उसका पहला पार्ट अपलोड हो गया, करंट अफेयर्स का, वो रात ही अपलोड हो गया था। जो पार्ट लेक्चर सेकेंड है, लेक्चर थर्ड तो लाइव भी कल हो गया था। तो करंट अफेयर्स का जो था वो एक ही प्लेलिस्ट है पूरी, तो आपको ये चैनल के ऊपर जाके जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ जो है वो सारी मिल जाएंगी, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी आप लोग। और जो सा है ये आप लोगों का इसलिए जो सा है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव आना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, और वैसे भी ये अभी फ्री एमसीक्यू वाला सेशन चल रहा है, तो जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपका 7th बैच, उसमें जो है इंशाल्लाह फिर आप लोगों से रूम पर मिलाऊंगा। ठीक है, मेरी इंशाल्लाह अब आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आप में से जो आएंगे 7th बैच में मंडे से, मैं कल, आज और कल, आज मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ, और परसों जो कल जो है मेरा लास्ट लेक्चर है, और उसके बाद संडे को इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा गूगल फॉर्म के ऊपर, और मंडे से फिर 7th बैच स्टार्ट होना है। मुझे मैथ करवानी है और उसमें मैंने बिजी हो जाना है, तो फिर इसका जो आपका सेशन के हवाले से मैम करवाएंगी हैं, जो भी है वो आपको फिर इसके रिलेटेड नेक्स्ट मैम बता देंगे। ठीक है, तो मेरी आप लोगों के साथ जो जर्नी थी वो इंशाल्लाह कल समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो उनकी समझ आया होगा, कुछ आप लोगों के नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। ठीक हो गया, चलें जी लेट्स स्टार्ट। 2-3 मिनट आप लोगों के लगे हैं, तो 8 बज गए। चलें जी लेट्स स्टार्ट। आज जो क्वेश्चन है, जो लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से चूज किए हैं, और मोस्टली जो है कुछ रैंडम है, तो मोस्टली जो है ये लेक्चरर हिस्ट्री के पेपर। अच्छा जी, पहला हजरत इमाम हुसैन की जो वाइफ थी खैर बानो, वो किसकी बेटी थी? तो ऊपर जो आपके पास जो पर्शियन बादशाह था यजदगर थर्ड, ठीक है, यजदगर थर्ड, उसकी जो है वो क्या है, उनकी वो बेटी थी यजदगर थर्ड, और ये पर्शियन बादशाह था। हजरत इमाम हुसैन की पहली जो शादी हुई थी वो हजरत फातिमा से हुई थी, तो उससे बारे में भी पूछा जाता है कि कब निकाह हुआ था, तो 2nd हिजरी के अंदर हुआ था। एक ये सवाल भी आप लोगों ने याद रखना है कि हजरत फातिमा का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ था वो 2nd हिजरी के अंदर हुआ था। ये सवाल बहुत दफा पूछा गया है। ठीक हो गया, टेस्ट के हवाले से मैं एंड में बता दूंगा, टेस्ट के हवाले से मैं एंड में बता दूंगा, कल भी बता दूंगा, टेंशन ना लेना। अभी टेंशन ना लो, अभी इसके ऊपर फोकस करो। अच्छा जी, 18th अमेंडमेंट वॉज मेड पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 18वीं तरमीम आपको पता है हमारी 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गई थी, 280 उसके अंदर आर्टिकल है, 26 तरमीम हो चुकी हैं उसके अंदर, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। स्टूडेंट अब यहाँ जो है 10 भी लगाएंगे देख के, तो यहाँ क्या है 19 अप्रैल। अब यहाँ एक चीज सुन लो, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। आपने शायद वो जो सा है 7th बैच का उसमें डेमो लेक्चर नहीं सुना, एमसीक्यूज डिस्कशन नहीं होगी, आपको टॉपिक वाइज बोर्ड के ऊपर चीजें समझाई जाएंगी। ये एमसीक्यूज डिस्कशन सिर्फ ये सेपरेट बैच है, जो पेड बैच अभी स्टार्ट होना है 7th बैच, क्योंकि 6th बैच अभी स्टार्ट हुआ था तो दरमियान में गैप था, तो मैम ने ये इनिशिएटिव लिया था फ्री एमसीक्यूज का। तो जो आपका 7th बैच है वो क्या है, उसमें आपको 10 सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई। ठीक हो गया, अच्छा यहाँ एक सवाल सुन लो, बाकी आपके आंसर्स बाद में देता हूँ ताकि ये बीच में खराब ना हो। 18th अमेंडमेंट जो है वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बनाई गई, 26 तरमीम हुई है। अब यहाँ एक चीज याद रख लो, 10 अप्रैल को, यहाँ तो 10 अगस्त लिखा हुआ है, 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली से 18वीं तरमीम को पास किया गया। ठीक है, और एक अमेंडमेंट को, ये सवाल भी पूछा जाता है, एक अमेंडमेंट को जब भी आपने पास करना है, कोई तरमीम करनी है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वहां ऑप्शन होती है 3/1 चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए या 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो जब भी आपने तरमीम पास करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी चाहिए होती है, उसमें आप लोगों को चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी। तो 10 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक नेशनल असेंबली से पास हुआ। 15 अप्रैल को, ये जो बी ऑप्शन है, 15 अप्रैल को क्या हुआ, सेनेट में पास हुआ। और 19 अप्रैल को क्या हुआ, एट द एंड क्या होता है, सदन ने दस्तखत करने होते हैं। तो 19 अप्रैल को प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने दस्तखत किए, तो ऑफिशियली जो उनसा है वो 18वीं तरमीम जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई 19 अप्रैल को। अब यहाँ 10 अप्रैल की ऑप्शन हो, स्टूडेंट्स देखते हैं कि नेशनल असेंबली से पास हो गई थी तो हम वो टिक कराएंगे, नहीं, जब प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं उस वक्त वो हिस्सा बनी है, और फिर प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, 19 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन। सूरह अनकबूत का क्या मतलब है, तो ये रिपीटेड सवाल है, स्पाइडर, अनकबूत का क्या मतलब है, हमारे पास स्पाइडर होता है, तो इसी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। इब्ने सीना, इब्ने सीना आपको पता है पॉलीमैथ बड़े फेमस थे, तो उनका ताल्लुक कहाँ से था, उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था।
उनका ताल्लुक कहाँ था, उज्बेकिस्तान से था, अफगानिस्तान से नहीं था, उज्बेकिस्तान से उनका ताल्लुक था। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, हमारे पास सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। इब्न सीना कहाँ से थे, उज्बेकिस्तान से। अफशाना जो है वहाँ का इलाका है, कोई गाँव है या छोटा बस्ती शहर, वहाँ से जो है इनका ताल्लुक था। हु इज नोन एज आदम सानी, तो आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर, कौम के ऊपर जो सा है वो पानी का अजाब आया था, और इसकी वजह से सिर्फ क्या है, कश्ती हमने उस दिन लास्ट टाइम भी देखा था, तो जोन सी है वो क्या कहते हैं आपकी माउंट जुदाई जोन सी है, वहां जहां कश्ती रुकी थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक नई नस्ल जोन सी है वो चली, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं आदम सानी, सिर्फ वो जो जोड़े अल्लाह ताला के हुक्म से जो कश्ती में सवार हुए थे उसके बाद जो उनसे नई नस्ल शुरू हुई, तो जिसकी वजह से इन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो उनसे आपको पता है, मेसोपोटामिया आपका जो उनसे है इसको इराक को कहते हैं, मेसोपोटामिया इसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया। तो ये वर्ड क्या है, मेसोपोटामिया बेसिकली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन टू रिवर्स। तो मेसोपोटामिया जो उनसे ये दो रिवर्स के दरमियान जो उनसे आपकी सिविलाइजेशन थी, तो इसलिए ये इसका वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से किया, ग्रीक से किया है, और मेसोपोटामिया कहते हैं किसको, इराक का पुराना नाम था। ठीक हो गया। जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो का आप लोगों को पता है, सवाल पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो इंडस सिविलाइजेशन के बाद, ये आपकी अंदर इसमें मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन भी आती है, और ये लाड़काना आपके सिंध के अंदर है, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है मोहनजोदाड़ो। तो इसको 1922, ये सारे सवाल है, मोहनजोदाड़ो जो उनसे कहाँ है लाड़काना सिंध के अंदर, इसको डिस्कवर कब किया गया था 1922 में, किसने किया था, जॉन मार्शल ने, ठीक है जॉन मार्शल साहब ने इसको 1922 में किया था। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होगी। आइसबर्ग डब A76, ये आइसबर्ग आपके पास होता है, और ये याद रखिएगा A76 आइसबर्ग जो होता है ये आपका फ्लोटिंग आइसबर्ग, ये जो आपके जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं बड़े बड़ी बर्फ जो आपकी, उसको आइसबर्ग कहते हैं। सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइसबर्ग आपका A76 है। एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि A76 आपका सबसे बड़ा जो होता है वो क्या है, फ्लोटिंग आइसबर्ग है, और ये आपका अंटार्कटिका के अंदर है। तो अंटार्कटिका के अंदर आपका एक सी है, उसका नाम है वेडल सी। ये वेडल सी कहाँ है आपका, अंटार्कटिका के अंदर है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी वेडल सी, और ये अंटार्कटिका के अंदर है। यहाँ मैं डिस्कशन नहीं कर सकता 18वीं तरमीम की, अगर आपको डिटेल के अंदर देखना है तो चैनल के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नीचे जाएंगे, आपको क्या कहते हैं 18वीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दो दो घंटे के दो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसमें 18th अमेंडमेंट को डिटेल में देख सकते हो, डिटेल में डिस्कशन है उसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ वर्ड रेफर्स टू, एक आपकी फर्स्ट वर्ड होती है, सेकंड वर्ड होती है, फिर थर्ड वर्ड होती है। फर्स्ट वर्ड जो आपकी होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट है जो कोल्ड वार के दौर के अंदर, कोल्ड वार के लिहाज से इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दो आपके पोल बन गए थे, एक अमेरिकन लेड था जो कैपिटलिज्म लेड था जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, एक सोवियत यूनियन का था जो कि कैपिटलिस्ट वो सॉरी कम्युनिस्ट था। तो जो अमेरिका वाले ब्लॉक के अंदर थे कोल्ड वार के दौरान उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया, जो यूएसएसआर के साथ थे कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे उनको सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया, और जो न्यूट्रल थे, जो कि न्यूट्रल थे, जो कि नॉन अलाइंड थे, वो क्या हुआ, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गई, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, तो आजकल के दौर में फर्स्ट वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज किनको कहा जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज बड़े, अमेरिका हो गए, बर्तानिया वगैरह, ये आपके बड़े बड़े मुल्क हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, जो बिल्कुल ही नीचे हैं। और फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज जो है, फोर्थ वर्ल्ड किसको रेफर किया जाता है, ये किया जाता है सोमालिया और इथियोपिया जैसे मुल्क, ये उन मुल्कों को रेफर किया जाता है जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्या है, डाउन है, और जिनका इतना ज्यादा न्यूज में भी आप नहीं सुनते। मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे मुल्क हो गए, टोगो हो गया, गैबन हो गया, और आपके पास इथियोपिया है, इरिट्रिया है, इस तरह के जो मुल्क हैं, इनका उस तरह से इनके पास इंटरनेशनल लीवरेज नहीं है, इनको उस तरह से इंटरनेशनली डील नहीं किया जाता, इनके पास उस तरह की इकोनॉमिक पावर्स नहीं है, तो इस तरह के कंट्रीज को क्या कहा जाता है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है 1960 के अंदर हुई थी आपकी, और इसको किसने कौन इसके अंदर आर्बिट्रेशन जिसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक था आपका। तो मंगला डैम, उस दिन हमने रिवर्स देखे थे, उस दिन हमने तरबेला डैम देखा था, तो तरबेला डैम के बारे में मैंने बताया था कि आप लोगों को तरबेला डैम आपका 76 के अंदर बना। तो मंगला डैम क्या है, ये आपका मंगला डैम 1967 के अंदर बना, और एम से मंगला, एम से मीरपुर, ठीक है, एम से मंगला, एम से मीरपुर, जो आपका जम्मू आजाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ मीरपुर के इलाके के अंदर ये मंगला डैम बना है। और ये कौन से दरिया के अंदर ऊपर बना है, ये आपका जेहलम रिवर, जेहलम के ऊपर बना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसकी बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर, आर्बिट्रेटर कौन था, किसने करवाई, क्या कहते हैं आपकी वर्ल्ड बैंक ने, पाकिस्तान को कौन से दरिया मिले, सबको पता है इंडस, जेहलम, और आपका कौन सा मिला, क्या कहते हैं उसका, इंडस, जेहलम और चनाब,
ठीक है, ब्यास सतलुज और रावी जो है वो इंडिया के पास चले गए, पर मंगला डैम एम से मंगला, एम से मीरपुर, और 1967 में कंप्लीट हुआ, और दरिया जेहलम के ऊपर जो है ये क्या है, ये आपका वाक्य। अच्छा जी, व्हेन यूएस प्रेसिडेंट एफ डी रूजवेल्ट साहब थे, तीन दफा जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो इनके दौर के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, बिल्कुल दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, इन्हीं के दौर के अंदर आया था ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके अंदर इन्होंने 1933 के अंदर 100 डे परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट अपना स्टार्ट किया था। तो ये आपका हिस्ट्री के लेक्चरार के अंदर सवाल पूछा गया था कि कौन से प्रेसिडेंट ने जो है 100 डे परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था, तो एक FDR इनको कहा जाता है, FD रूजवेल्ट को, और 1933 में किया था, क्यों, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, इकॉनमी बिल्कुल बैठ चुकी थी जो क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये सारे जो हैं ये सवाल पूछे जाते हैं, और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका के सदर जो हैं वो कौन थे, तो FDR साहब थे। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बुलंद दरवाजा एसोसिएटेड विद विच मॉस्क, तो जामिया मस्जिद आपकी कहाँ है, ये फतेहपुर सिकरी के अंदर है, और ये एक तो यहाँ मैं बता दूं पहले इसके बारे में दो तीन चीजें, बुलंद दरवाजा जो है ये आपका बनाया गया था, आई थिंक इसको देख लेना, मेरे ख्याल में ये 1475 या 1400 समथिंग में था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूछा गया, लेकिन आपको फिर भी देख लेना कि बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था, ये अकबर ने बनवाया था, इसने गुजरात को जब पता किया था, और अकबर साहब ने जो है ये बुलंद दरवाजा बनवाया था, और ये कहाँ है, ये जामिया मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अंदर, और फतेहपुर सीकरी इटसेल्फ जो एक शहर है ये भी अकबर ने ही बनवाया था, ये भी सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का फाउंडर कौन है, अकबर, उसके अंदर उसने क्या बनवाया, उसने गुजरात पता किया था, उसने बुलंद दरवाजा बनवाया, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, वो जामिया मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अंदर है, तो ये सारे सवाल अकबर के रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भी अकबर के हवाले से बड़ा फेमस सवाल पूछे जाते हैं, वो आपका उस दिन हमने दीन इलाही देखा था, उसके अलावा इसने जो है सती की रस्म वो खत्म की, और भी इसने जो आपका क्या कहते हैं ये लाहौर का फोर्ट है वो भी, और काफी सारी चीजें जो है इसके दौर में बनी, तो ये सब जब हम इंशाल्लाह अपने बैच में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको डिटेल से करवाऊंगा कि इसके दौर में क्या क्या हुआ, कब आया, कब गया, इसके हवाले से क्या क्या चीजें, ये पैदा कहाँ हुआ, ये भी सारी चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा जी, हु इन्वेंटेड माउस, तो माउस आपका किसने इन्वेंट किया था, एंगलबार्ट साहब जो है, एंगलबार्ट, डॉगलेस एंगलबार्ट, ये पहले भी सवाल आया है तो दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है, एंगलबार्ट साहब ने हमारे पास क्या किया था, माउस को इन्वेंट किया था। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, ठीक है, पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है, मारखोर, चकोर क्या है जी, पाकिस्तान का कौमी परिंदा है, चकोर क्या है, कौमी परिंदा है, कौमी खेल क्या है, हॉकी है, कौमी आपका नेशनल फ्लावर क्या है, जैस्मीन है, ठीक है, बस यही चार पांच चीजें पूछी जाती हैं। वैसे तो फिर लोग आगे भी कह देते हैं कि आपका नेशनल वो क्या कहते हैं जूस क्या है, वो गन्ने का रस है आपका, उसके बाद आपका फल क्या है, फल आपका मैंगो है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी बस ये चार पांच ज्यादा पूछी जाती हैं, एनिमल हो गया आपका, फ्लावर हो गया जैस्मिन, आपका बर्ड हो गया चकोर, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछी जाती हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगरा फोर्ट स्टार्टेड बाय, तो आगरा फोर्ट भी आपका अकबर साहब ने स्टार्ट किया था, आगरा फोर्ट जो है, आगरा किला, किला आगरा, ये आपका क्या है, ये आगरा किला और लाहौर किला दोनों, ये दोनों अकबर ने स्टार्ट किए थे, लेकिन ये जो आगरा फोर्ट है ये कंप्लीट हुआ था शाहजहां के दौर के अंदर, और फिर शाहजहां को जब उसका बेटा औरंगजेब आया था उसने जो कैद किया था वो भी शाहजहां को आगरा किले के अंदर ही कैद किया गया था, और ये भी सवाल पूछा जाता है शाहजहां की डेथ कहाँ हुई थी, तो शाहजहां की जो डेथ हुई थी वो भी इस आगरा किला के अंदर, वो नजरबंद था उसके बेटे औरंगजेब ने उसे नजरबंद किया था, तो वहीं उसकी डेथ हुई, ठीक हो गया। नहीं, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर और भी मुल्क हो सकते हैं जिनकी इतनी कोई इंटरनेशनल लेवरेज नहीं है, जो बिल्कुल मतलब आप कह लो मतलब जैसे अगर हम यहाँ आ जाए एशिया के अंदर आ जाए तो कोई इस तरह के मालदीव हो गया आपका, ठीक है, मालदीव हो गया, भूटान हो गया, तो वो उनके अंदर जो उनसे है वो बहुत अमीर मुल्क भी नहीं है पर उनकी इंटरनेशनल लेवरेज बहुत थोड़ी है, तो उनको जो उनसे फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, अफ्रीका के मैंने कहा था मोस्टली है तो इस वजह से। अच्छा जी, आगरा फोर्ट आपका अकबर का हो गया और मैंने बताया शाहजहां के दौर में ये क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी। हाउ मच परसेंटेज हाउसिंग, जो आपका हाउसिंग सेक्टर है वो आप पाकिस्तान की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 0.25% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपका हाउसिंग सेक्टर, जो आपका हाउसिंग सेक्टर है उसकी क्या है कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन है 0.25, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार यूज टू एक्सेस मेन्यू बार और टूल बार क्विकली, यहाँ क्या है देखें क्विकली, अगर आपने क्विकली, ये मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है MS ऑफिस वगैरह सारे हमने डिटेल में चीजें की थी, तो उसमें क्विकली आप किस तरह से इसको करोगे, क्विक एक्सेस बार, ठीक है, इसमें क्या है क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार जो है आपके पास एक्सेस टूल बार, जब उसके ऊपर आप जाते हो तो आप उसमें देखोगे तो आप जल्दी जल्दी तेजी से क्या कर सकते हो, अपने टूल बार के ऊपर मेन्यू बार के ऊपर आप जल्दी जल्दी एक्सेस ले सकते हो, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक हो गया।
यहाँ क्विक अगर लगा लो तो ये होगा, वरना फिर नन ऑफ दीज इसकी ऑप्शन भी हो सकती है, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसकी नन ऑफ दीज अगर हम देखें, मैंने वैसे क्विक एक्सेस बोल दिया, वरना अगर आप इसकी नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो तो मे बी वो टाइपिंग में शुरू में क्विक स्किप हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगी, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार के साथ। ट्रीटी ऑफ लोजान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ये एमसीक्यूज के लेक्चर्स के अंदर ही डिस्कस किया, ट्रीटी ऑफ वर्सालीज, ट्रीटी ऑफ सेवरस और ट्रीटी ऑफ लोजान। तो इससे क्या होती, इससे क्या हुई थी, जो आपकी खिलाफत थी वो ऑफिशियली खत्म हो गई थी, और 1924 के अंदर इससे खिलाफत को खत्म किया गया था 1923 के अंदर, और 1924 के अंदर जो था ऑफिशियली जो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो था उसने क्या कर दी थी, खिलाफत को अबॉलिश कर दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन सी। व्हेन डिड जापान अटैक रशिया, तो ये 1904 के अंदर जापान ने रशिया के ऊपर, उस वक्त रशिया तो नहीं है यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के ऊपर 1904 के अंदर उसने अटैक किया था, जंग हुई थी इनकी 1904 से लेकर 1905 तक ये जंग चली थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी होगा। इन 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर मेन राइवल वॉस, तो उसका उस वक्त जानी दुश्मन कौन था, जिसका क्या कहते हैं जो सल्तनत उस्मानिया थी 19वीं सदी के अंदर, उसका कौन सा था, रशिया। रशिया से बेहतर आप यहाँ क्या लिखोगे, रशिया, या इसे सोवियत एम्पायर जो उस वक्त आपकी थी, रशियन एम्पायर कह लो, सोवियत एम्पायर कह लो, तो वो जो उनका है उसका मेन राइवल था 19वीं सदी के अंदर ऑटोमन एम्पायर का, ठीक हो गया। एट द टाइम ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, तो आपको पता है जो सर सैयद अहमद खान साहब हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे वहां उस वक्त, उनकी जॉब थी, और उनकी जॉब क्या थी, सदर अमीन, ठीक है, सदर अमीन के तौर पर वहां काम कर रहे थे। तो जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो वो सब कहां थे, बिजनौर के अंदर। ये बड़ा फेमस सवाल बार बार पूछा जाता है, बिजनौर के अंदर थे, और इन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान ने। तो बिजनौर के अंदर थे जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो लड़ी जा रही थी, तो सर सैयद अहमद खान सब कहां थे, बिजनौर के अंदर एज अ सदर अमीन काम कर रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर बाय, तो ये आसान सा है, बी ऑप्शन, रिक्टर स्केल जो है आपका, जब भी आपका जलजला आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो रिक्टर स्केल जो है उसको मेजर करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। जंगे यमामा फॉट इन, तो जंगे यमामा, अच्छा जी एक तो पहले बता देता हूँ इसकी करेक्ट ऑप्शन, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करवा देता हूँ आप लोगों को। जंगे यमामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर क्या हुई थी, पहले जो खलीफा है, ठीक है, हज़रत अबू बकर पहले खलीफा है, और इनके दौर के अंदर जंगे यमामा लड़ी गई। तो जंगे यमामा लड़ी किसके खिलाफ गई थी, अब देखें हजरत अबू बकर जो उनसे खलीफा बने तो उनके सामने दो तीन मसले थे। एक क्या था, एक तो था मुनकरीन ज़कात, उनके खिलाफ जंगे लड़ी गई, जिन्हें रिदा वार्स कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें रिदा वार्स, या क्या कहते हैं मुनकरीन हो गए थे, मुनकरीन ज़कात, तो उनको रिदा वार्स कहा जाता है, वो लड़ी गई। फिर उसके बाद दो से तीन चार लोग थे जिन्होंने झूठे नबूवत का दावा किया, जिन्होंने क्या किया, झूठे नबूवत का दावा किया। अगर उसमें अगर हम बात करें तो तीन चार लोग थे इंपॉर्टेंट हमारे पास, एक असवद अंसी था, ठीक है, एक हमारे पास मुसलमतुल कजाब था, और एक औरत थी जिसका नाम था सजा बिनते हारिस, ठीक है, ये औरत ये पूछा जाता है कि सजा बिनते हारिस कौन थी, ये यमन से थी और औरत थी। जो जंग यमामा लड़ी गई ना स्पेसिफिक, ये लड़ी गई आपके मुसलमत कजाब के साथ, जंग यमामा, ये यमामा एक जगह है और मुसलमतुल कजाब इस यमामा की जगह से ताल्लुक रखता था। इसके खिलाफ जो उनसे जंग यमामा लड़ी गई, और इसमें 700 के करीब कहा जाता है कि 700 के करीब जो हफाज इकराम थे वो शहीद हुए इस जंग के अंदर, जंग यमामा के अंदर, ठीक हो गया, जंग यमामा के अंदर ये शहीद हुए। और फिर यहाँ क्या हुआ, जंग यमामा में एक और चीज जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद जो है कमांडर बना के भेजे गए, नहीं, इसमें जब जंग यमामा के अंदर हजरत अबू बकर सदी ने हजरत इकरमा बिन अभी जहल जो से हैं उनको क्या किया गया, उनको कमांडर बना के भेजा गया, ये इसको क्या कहते हैं मुसलमतुल कजाब को मारने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हुए। फिर मुसन्ना बिन हारिस को भेजा गया, ठीक है, वो भी कामयाब ना हुए। फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, थर्ड नंबर पर हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाकर भेजा गया था, और फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने ये जंग लड़ी और फिर मुसलमतुल कजाब जो होता है वो मारा गया, और वो किसके हाथों मारा गया वो भी सवाल पूछा जाता है, उम्मीद आप सब लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो वाशी बिन हर्ब जो के बाद में मुसलमान हो गए थे, जिन्होंने पहले हजरत हमजा को शहीद किया था गजवा उहद के अंदर और बाद में वो मुसलमान हो गए, तो उन्होंने जिन्होंने हजरत हमजा को नेजा मारकर शहीद किया था, उन्होंने ही मुसलमतुल कजाब को वाशी बिन हर्ब ने उन्हें कत्ल किया था। और वाशी बिन हर्ब कौन था, जुबैर बिन मोतम का गुलाम थे ये पहले, ठीक है, ये सारे सवाल हैं जो कि इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, मैंने बता दिए, इनको नोट कर लेना काम आएंगे आपको। ये तो अभी रिसेंटली भी मेरे ख्याल में पूछा गया था शायद किसी लेक्चरर के पेपर के अंदर कि वाशी बिन हर्ब जो है वो किसके गुलाम थे, तो जुबैर बिन मोतम जो है उसके ये गुलाम थे वाशी बिन हर्ब, ठीक है। तो ये इसके जंग यमामा के हवाले से कुछ चीजें थी आप लोगों को बता दी। लास्ट किंग ऑफ ईरान ड्यूरिंग 1979 रेवोल्यूशन, तो 1979 के अंदर ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आई थी, और फिर इमाम खुमैनी साहब जो उनसे हैं वो वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। तो जब वो रेवोल्यूशन आई उस रजा शाह पहलवी साहब जो उनसे हैं वो क्या थे, वो रजा शाह पहलवी साहब जो उनसे हैं वो क्या थे, वो उनके
क्या कहते हैं आखिरी बादशाह थे, ठीक है। जब ईरान के अंदर 19 एक तो रेवोल्यूशन कब आई, 1979 के अंदर, ये आपने ये डेट याद रखनी है। और जब आई उसके बाद सुप्रीम लीडर कौन बने, इमाम खुमैनी बने, और रजा शाह पहलवी थे जो आखिरी क्या थे किंग थे, और आजकल क्या है इमाम खामनाई, वो खुमैनी थे, आजकल क्या है खामनाई। तो खुमैनी और खामनाई में फर्क है, ये दोनों आप लोगों ने नाम ही स्पेलिंग्स के अंदर जब भी नाम आता है करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान तो लोग खामनाई की जगह खुमैनी लगाते हैं, तो ये आपने याद रखना है खुमैनी और इमाम खामनाई के अंदर फर्क है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जोहर एडवाइज मुस्लिम टू माइग्रेट, तो जिसको हम क्या कहते हैं हिजरत मूवमेंट। तो हिजरत मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी, अफगानिस्तान। तो इसको किसने एडवाइस किया था, मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने ये एडवाइस किया था कि अब जो होता है जंग शुरू हो गई है तो ये दारुल हर्ब है, तो आप ऐसे करो यहाँ से छोड़ के अफगानिस्तान चले जाओ, क्योंकि मुसलमान जो आप क्योंकि टर्की था वहां से सल्तनत उस्मानिया थी और यहाँ से अंग्रेज थे, तो उन्होंने कहा ये तो काम जो है वो खराब हो जाएगा, तो आप जो है ये क्या है आप यहाँ से हिजरत करो। तो एक तो ये पूछा जाता है कि हिजरत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो ये खिलाफत मूवमेंट के दौरान स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त हिजरत करने का मशवरा कहाँ दिया गया था कि अफगानिस्तान चले जाओ। किसने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसके कर्ता धर्ता जो होते हैं जौहर ब्रदर्स थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। तो करेक्ट ऑप्शन है डी हमारे पास। बेसिक डेमोक्रेसी बड़ा सिंपल सा है, अयूब खान साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 80,000 बेसिक डेमोक्रेट थे, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से और 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, और उन्होंने फिर आगे जो था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करना होता था। तो ये बेसिक डेमोक्रेसी का जो फंक्शन है ये आपका अयूब खान साहब ने इसको किया था, और इसी के बेसिस के ऊपर फिर 1965 का जो इलेक्शन हुआ था जो कि अयूब खान जीत गया था, वो इसी के बेसिस के ऊपर बेसिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ऊपर ही हुआ था, ठीक हो गया। कायदे मिलत किसको कहा जाता है, आसान सा सवाल है, लियाकत अली खान साहब को कायदे मिलत कहा जाता है, जिनको लियाकत पाक के अंदर फिर शहीद किया गया 1951 के अंदर। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, उनको कायदे मिलत जो होता है वो कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीएम एंड एम्बेसडर टू यूएसए, ऐसे क्या कहते हैं कौन इंसान थे जो कि एम्बेसडर और टू यूएसए भी रहे हैं और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मोहम्मद अली बोगरा, जिन्होंने बोगरा फार्मूला दिया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फार्मूला बोगरा फार्मूला दिया था 54 के अंदर। तो वो मोहम्मद अली बोगरा एम्बेसडर टू यूएसए भी रहे हैं और ये पाकिस्तान के जो उनसे हैं फॉरेन मिनिस्टर भी, फॉरेन कह रहा हूँ सॉरी, थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर भी थोड़ी देर रहे थे, कन्फर्म नहीं है, लेकिन यूएस एम्बेसडर रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ये रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अली इनके बाद आए थे और हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो हैं वो उसके बाद आए थे। और हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में एक चीज़ याद रख लेना कि ये पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लेबनान के अंदर इनकी डेथ हुई थी और इनको भी शहीद किया गया था, इनको इनका कत्ल किया गया था, इनको शहीद किया गया था। तो लेबनान के अंदर इनकी डेथ हुई थी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, और इनका बंगाल तो वेस्ट सॉरी उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था उससे इनका ताल्लुक था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इन विच मूवमेंट क्लेम्ड लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह एंड नो वन कैन लिव इट टैक्स एंड रूल, तो एक आपकी 1828 के अंदर, 1828 के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसका नाम था फ्राइजी मूवमेंट। इसकी डेट लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 फ्राइजी मूवमेंट, ठीक है। उसमें बंगाल से ताल्लुक था एक शख्स का, उनका नाम था हाजी शरीयतुल्ला, उन्होंने वो हज से वापस आए और उन्होंने आकर ये फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि लोग जो उनसे हैं वो बिदात से बचें और लोग जो उनसे हैं क्या करें अपने असल की तरफ, फर्ज की तरफ। फ्राइजी से क्या मतलब, फर्ज, जो अल्लाह ने उनके ऊपर चीजें फर्ज की हैं उनके ऊपर आ जाए। तो ये बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ की और सारे उसके, तो ये हाजी शरीयतुल्ला ने 1828 में की। फिर कुछ देर बाद इनकी डेथ हो गई, फिर इनके बेटे थे मेरे ख्याल में दादू मियाँ, उन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया लेकिन उस तरह से कामयाब नहीं हुई। तो हाजी शरीयतुल्ला का भी पूछा जाता है और उनके बेटे का भी पूछा जाता है कि उसके बाद इस मूवमेंट को किसने लीड किया, तो दादू मियाँ उनके बेटे थे, उन्होंने इसको लीड किया, ठीक हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्राइजी मूवमेंट, और ये याद रख लेना है, इसका कंफर्म बता रहा हूँ 1828 इसकी आपने याद रखना है। आपको हर जगह डिफरेंट वो मिलते हैं लेकिन जो पीपीएससी के अंदर सवाल आपका एग्जैक्ट माना जाता है वो 1828, ठीक हो गया। वेवल प्लान, वेवल प्लान आपका 1945 के अंदर आया था, 14 जून 1945 के अंदर वेवल आपका पेनल्टी मेट वाइस रॉय था। सेकंड लास्ट जो आपका वाइस रॉय था वो कौन था, लॉर्ड वेवल था। इसके बाद फिर आखिरी वाइस रॉय आ गया माउंटबेटन। तो इसने एक प्लान दिया था जिसके अंदर ये था कि आप जो सा है हम आपके ऊपर डोमिनियन स्टेटस आपको दे देते हैं, मतलब आपके पास सेंटर जो सा है वो आपके पास रहेगा और प्रोविंसेस में भी आप रहोगे, लेकिन फाइनेंस हो गया, डिफेंस वगैरह ये सारी चीजें कुछ हम अपने पास रखेंगे, ये इसका प्लान था। तो ये प्लान डिस्कस करने के लिए फिर क्या बुलाई गई, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 24 जून 1945 को। 14 जून को वेवल ने अपना प्लान दिया 1945 को, और फिर उसके 10 दिन बाद 24 जून को शिमला एक बड़ा क्या कहते हैं खुला डुला वही वहाँ ठंड होती है बड़ा अच्छा, जैसे हमारा मरी है वैसे समझ ले शिमला, तो जितनी मीटिंग्स वगैरह होती थी शिमला के अंदर होती थी, तो वहां जाकर ये प्लान डिस्कस किया गया लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। और शिमला क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस, एक है शिमला डेलीगेशन, वो पहले गया था 1906 के अंदर, जिसको 35 रुकनी डेलीगेशन था, जिसको वो आपके सर आगा खान लेड कर रहे थे, वो था शिमला डेलीगेशन, वो और था।
ये है शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 1945 के अंदर हुई थी, बेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए इसका मकसद ये था। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो जाना। शिमला डेलीगेशन एक किया था सरागा खान की क्यादत में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लेकर 1906 के अंदर, वो एक डिफरेंट चीज थी। ये क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस है जो किस पे बुलाई गई थी, वेवल प्लान डिस्कस करने के लिए, जो कि उससे 10 दिन पहले आया था 14 जून को। तो ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन आप लोगों ने नहीं होने देनी, याद रखना है दोनों, शिमला डेलीगेशन और शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर। अच्छा जी, नादिर शाह बिलोंग्स टू ईरान, ठीक है, 1739 के अंदर आया था नादिर शाह इंडिया के अंदर। और जब नादिर शाह इंडिया के अंदर आया था उस वक्त यहाँ का बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के हवाले से आपको पता है आखिरी बादशाह था जो कि पीक ऑफ थ्रोन के ऊपर बैठा था, और नादिर शाह ने जो जंग लड़ी थी मोहम्मद शाह रंगीला से उसका क्या नाम था, बैटल ऑफ करनाल। तो ये सारे सवाल आप लोगों को पता होने चाहिए। नादिर शाह कब आया, 1739 के अंदर आया, ठीक है, 1739 के अंदर आया। बैटल ऑफ करनाल कब हुई, 1739 के अंदर हुई। ताल्लुक कहाँ से था, ईरान से था। जब आया, किसके साथ जंग लड़ी, कौन बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ये सारे सवाल इसके रिलेटेड आप लोगों को पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, अगेन हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं बार बार, लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था, और जब इसको अनल किया गया था तब क्या थे, लॉर्ड हार्डिंग साहब थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी। ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर शिमला कॉल्ड समर कैपिटल। तो एक तो ये याद रखना है कि शिमला को समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, क्यों, वही मैंने आपको बताया कि जरा बड़ा अच्छा मौसम, ठंडा माहौल होता था, और उनको गर्मी की आदत नहीं थी जो अंग्रेज आए थे हमारे पे हुकूमत करने के लिए। तो ये 1864, इसकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसकी सी। थोड़ा चलो, इसकी करेक्ट ऑप्शन अभी वो नहीं हो रही, तो इसको देख लेना बात, ठीक है, ये हमारे पास चूज नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन 1864, इसको सी है हमारे पास, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है, सी ऑप्शन 1864। तो इसको बाद में भी जब स्लाइड्स भी मिलेंगी तो उसमें आपने याद रखना है 1864। कायदे आजम सेड हु इज द शोमैन ऑफ कांग्रेस। तो अब्दुल कलाम आजाद साहब, फ्रीडम एट मिडनाइट, इनकी बड़ी फेमस बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो अब्दुल कलाम आजाद साहब जो थे कांग्रेस के लीडर थे, उनके यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी ये बने, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो इनको कायदे आजम ने शोमैन ऑफ कांग्रेस कहा था। और अभी जो मैं शिमला कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर रहा था उसके हवाले से भी एक सवाल पूछा जाता है कि उसमें कायदे आजम तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्यादत कर रहे थे, क्या कहते हैं, जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए, तो अब्दुल कलाम आजाद साहब जो थे ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टूडेंट्स से पूछा जाता है, स्टूडेंट्स नेहरू लगाते हैं, गांधी लगाते हैं, लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस की सरबराह उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे अब्दुल कलाम आजाद साहब जो थे वो कर रहे थे, और इनको कायदे आजम ने शो मैन ऑफ कांग्रेस भी कहा था। प्रेसिडेंट मोहम्मद अल कदाफी, कदाफी साहब जो है किस कहां से ताल्लुक है इसका पता है आप लोगों को, लीबिया से इनका ताल्लुक था, इनका ताल्लुक कहां से था, लीबिया से ताल्लुक था। अक्टूबर 2011 के अंदर इनको वहां कत्ल कर दिया गया था लीबिया, और इन्हीं के नाम के ऊपर जो होता है हमारा जो लाहौर के अंदर स्टेडियम है कदाफी स्टेडियम भी इन्हीं के नाम के ऊपर है, मुअम्मर कदाफी के नाम के ऊपर। और उसके बाद से अभी तक जो होता है लीबिया के अंदर हिसाब किताब बड़ा खराब चल रहा है, और अभी तक जो होता है वहाँ के हालात ठीक नहीं हुए। अभी इलेक्शन होने थे, कदाफी साहब का बेटा भी उस इलेक्शन में उम्मीदवार था, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ निशाने हैदर। तो कैप्टन सरवर साहब को जी पहला निशाने हैदर मिला था, लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब पीएमएस जीके की हम डिस्कशन कर रहे थे कि निशाने हैदर टोटल कितने मिले हैं जी, 11 मिले हैं। और उसके अंदर निशाने जो मैंने आपको रीजन भी बताई थी कि ISPR कौन सा है, जो आपके पहले क्या कहते हैं सैफ जंजुआ साहब जिनको हिलाले कश्मीर मिला था, उसको भी रिसेंटली प्रेस रिलीज और उनकी वेबसाइट भी देख लें तो वहां क्या है, वहां उनको निशाने हैदर ही कंसीडर किया गया है, तो हम 11 ही ओके करेंगे। तो दूसरा सवाल 1971 की जंग के अंदर कितने लोगों को मिला था, तो वो हमारे पास 5 लोगों को मिला था। तो ये सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों के दोबारा रिवाइज हो गए कि निशाने हैदर कितने हैं, 1971 की जंग के अंदर कितने मिले हैं, और ये सारी चीज ठीक हो गए। अच्छा जी, हु कंपोज्ड म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम। म्यूजिक हो या इसे हम कह लेंगे हमारे पास क्या है, टून, म्यूजिक कह लो या टून या धुन जो जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या था, ए जी छागला। इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ 2-3 चीजें आती हैं। एक तो याद रखो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी जो टून, अच्छा यहाँ एक चीज और लिख लो, ए जी छागला ने इसकी टून बनाई थी, कब बनाई थी, 1949 के अंदर। ए जी छागला साहब जो उनसे हैं उन्होंने क्या किया था, ए जी छागला साहब ने इसकी टोन बनाई थी, धुन बनाई थी, कंपोजिशन बनाई थी 1949 के अंदर। लेकिन ये जो पाकिस्तान का तराना है पाक सर जमीन शाहबाद, इसकी चीजें भी बता देता हूँ, ये आपका 1952 के अंदर लिखा गया था। कब लिखा गया, 1952 के अंदर। और किसने लिखा, हफीज जलंधरी ने लिखा। हफीज जलंधरी ने कहाँ लिखा, उनकी एक किताब थी चिराग शहर, उसके अंदर उन्होंने लिखा था, ठीक हो गया।
लेकिन इससे पहले भी एक, चलो उससे पहले वो छोड़ दो, उससे पहले छोड़ दो, एक कमेटी बनी शेख मोहम्मद अकरम वाली, उसको मिस करवा दो। बस यहाँ तक आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हफीज जलंधरी ने लिखा 1952 में लिखा, और चिरागे शहर उनकी किताब थी, उसके अंदर उन्होंने क्या है लिखा, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा। और हफीज जलंधरी को आपको पता है शायर इस्लाम भी कहा जाता, शायर इस्लाम भी कहा जाता है, अबू अल असर भी कहा जाता है। और फिर इनका ये भी सवाल उर्दू के अंदर पूछा जाता है कि फोत कब हुए, 1982 में फोत हुए, और लाहौर के अंदर ये दफन है हफीज जलंधरी साहब, तो इसके हवाले से ये सवाल पूछे जाते हैं। और पाकिस्तान के एंथम की बात करूं तो पाकिस्तान के एंथम, अब क्या हुआ, अब आपने क्या याद रखना है, 1949 में एजी छागला ने उनकी डॉन जोनसी है वो कंपोज की, और उसको लिखा कब गया चिरागे शहर के अंदर, हफीज जलंधरी ने 1952 में लिख दिया। लेकिन जो सवाल मेन पूछा जाता है वो आपने याद रखना है, 13 अगस्त 1954 को आपका जो कौमी तराना था वो ऑफिशियली अप्रूव हुआ और उसको रेडियो के ऊपर चलाया गया, ठीक है, 1954 के अंदर, 13 अगस्त 1954 को। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो होता है आपके वो आए थे रजा शाह पहलवी साहब, जो रजा शाह पहलवी साहब थे ना जिनकी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो इनकी आमद के ऊपर, खुशी के मौके के ऊपर वो पहली दफा नेशनल एंथम पाकिस्तान का बजाया गया था। वो कब बजाया गया था, रजा शाह पहलवी की आमद के ऊपर, 13 अगस्त को 1954 के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो सवाल है जो कि पूछे गए हैं आप लोगों से, ठीक है। और पाकिस्तान के एंथम के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि 80 सेकंड का है, 1 मिनट 20 सेकंड का, और उर्दू का वर्ड सिर्फ एक है, 3 इसके अंदर स्टैंजास हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, मैंने कोशिश किया कि आप लोग इसको लिख लो और आप लोगों का फायदा हो जाएगा, ठीक हो गया। रेडियो स्टेशन, अच्छा जी, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर आपको पता है 1989 के अंदर जोन सा है जब उसने टूटना शुरू हो गया था, और ऑफिशियली 1991 के अंदर 15 रियासतों के अंदर टूट गया, तो मिखाइल गोर्बाचोफ साहब जो उनसे वो क्या थे, मिखाइल गोर्बाचोफ, वो यूएसएसआर के जो सोवियत यूनियन था उसके आखिरी आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रांसजेंडर एक्ट वॉज पास इन पाकिस्तान, तो 2018 के अंदर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स हैं जो आपके ख्वाजा सराफ, उनका एक्ट पास हुआ था, तो ये आपका कब पास हुआ है, 2018 के अंदर, कि उनको प्रोटेक्शन, उनके जॉब के अंदर हिस्सा मिलेगा और उनको जो है प्रॉपर उनको सारे राइट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो वो एक्ट का पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर 2018 के अंदर पास हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। अच्छा जी, लास्ट सवाल हमारे पास इंग्लिश का, तो इसके ऊपर अगर आप मुझे बताओ इसके ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज या हैव कंप्लीटेड द टास्क, क्या कहते हो, क्या कहते हो इसके बारे में, शाबाश, जो मेरे बैच वाले हैं उनको तो, उन्होंने तो सही मुझे लग रहा है आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आइदर आ गया है और आपके पास यहाँ क्या सेंस आ रही है, सेंस ऑफ चॉइस आ रही है, आगे क्या है गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स में से आपने एक को चूज करना है, तो यहाँ आपके पास क्या है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा, सिंगुलर, आपके पास वर्ब एग्रीमेंट यहाँ क्या होगा, वर्ब एग्रीमेंट आपके पास होगा जी यहाँ सिंगुलर, हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ इसकी, ए हैज, शाबाश, ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसकी ऑप्शन हैज, तो ये मेरे वो करेक्ट नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू है, तो इसके पास हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए हैज, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज, क्यों, आपके पास प्लूरल है, सेंस ऑफ चॉइस के लिए चीजें प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन आइदर आ रहा है, तो हमने क्या देखा था, जब आपके पास आइदर आ जाए, वन ऑफ द गर्ल्स आ जाए, एनी ऑफ द गर्ल्स, इस तरह के आ जाए, एनी वन, नथिंग, तो ये इसके साथ ये इनका वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आपका सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू था, जजाकल्ला जजाकल्ला, और अब हमारी आज सेकेंड लास्ट क्लास थी आप लोगों की मेरे साथ, अब कल आपकी लास्ट लेक्चर होगा, तो मे भी हो सकता है आपका लेक्चर 8 बजे से थोड़ा सा पहले भी हो जाए, अगर हुआ तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन होगा यूट्यूब के ऊपर ही, तो बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बाकी ये जो फ्री सेशन है ये आपका आपको मैम बताएंगे कि आगे मैम किस तरह से इसको लेके चलती हैं, लेकिन मेरे से आपकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और फिर मंडे संडे वाले दिन आपका अभी तक जितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं उन सबका एक ग्रैंड 100 MCQ का टेस्ट ले लिया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी मैथ के लेक्चर के अंदर, जो कि 7th बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ मुलाकात होगी, तो अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाई और जो पढ़ना चाहते हैं 7th बैच में, आपको सारा उसका डेमो वगैरह यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग जो उनसे वो क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन, मैम का नंबर भी अवेलेबल है, यहाँ स्लाइड्स भी अवेलेबल है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल मैं कोशिश करूंगा थोड़े से MCQ ज्यादा भी कर लूँ, और कल हमारे 20 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इन्हीं 20 लेक्चर्स का आपका संडे को फिर इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अच्छा है कि वक्त गुजरा है, तो आप भी लोगों की दुआओं में याद रखिएगा, बाकी जो 7th बैच में होगा फिर आप लोगों से गपशप चलती रहेगी, तो फिर आगे ईद के बाद इंशाल्लाह फिर यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स के हवाले से मैं अगर आया तो लाइव आऊँ, उसके बाद जो है फिर अब आप लोगों से 2-3 हफ्ते मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अभी टेंशन ना लो, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, घबराना नहीं, ठीक है।
कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। जिस सेशन के हवाले से कंटिन्यू करना होगा या जो भी है, मैम क्योंकि मैम आगे से पढ़ाएंगी, मैम इन चीज़ों को देखेंगी। मेरी जोन सी है आप लोगों के साथ हफ्ते की एक 3 दिन की कमिटमेंट थी, लेकिन आपको इस वीक को मैंने पूरा ही पढ़ाया। तो इंशाल्लाह ये फ्री सेशन वाला जो है इसके बारे में कल तो अभी आपका लेक्चर होगा, मेरा लास्ट लेक्चर है। बाकी इसका क्या स्टेटस होगा वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैम बता देंगी कि इसको कंटिन्यू किस तरह से करना है, क्या हिसाब किताब है, वो आपको मैम बता देंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स का पहला स्कूल जो उनसे है ना, एक तो याद रखना ट्रांसजेंडर्स का पहला स्कूल एक तो लोधरा के अंदर बना था। ठीक है, अगर लोधरा की ऑप्शन होगी तो आप लोधरा टिक करोगे, वरना मुल्तान का होगा तो आप मुल्तान टिक करोगे। ठीक है, वो एक दफा सवाल ऐसा पूछा गया था कि उसमें एक ईयर पूछा गया था और उस ईयर के अंदर लोधरा के अंदर ओपन हुआ था। अगर वो ईयर नहीं पूछते तो फिर आप पब्लिक स्कूल दिखाओ सिंपल, लोधरा के ऑप्शन ना हो तो फिर आप मुल्तान टिक करोगे। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि वो ईयर मेंशन किया हो, मुझे एग्जैक्ट अब ईयर नहीं याद, तो आप फिर लोधरा उसके ऊपर सेलेक्ट करोगे। ठीक हो गया, ओके इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल 8 बजे लेक्चर हुआ, आपको 8 बजे बता दिया जाएगा। मैं मैम को बता दूंगा, मुझे शायद कल कहीं जाना पड़े, या अगर उससे पहले रखना हुआ 6 बजे लेक्चर तो वो भी आप लोगों को कल टाइम आप लोगों के जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें पता लग जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो, और PDFs अगेन इसी लिंक के अंदर है, सारे लेक्चर भी इसी यूट्यूब के लिंक के नीचे आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।